हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आज हम सोल्व करना सीखेंगे। चार तरीके से ये आपके सामने आ सकती है। देखो, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में क्या हो, माइनस के साइन हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15, इस फॉर्म में एक इक्वेशन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ऊपर क्या है, पावर 2 से स्क्वायर को जो हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या जब एक क्वेश्चन होगा उसमें दोनों में क्या हो, माइनस, एक और क्वेश्चन आएगा सेकंड वाला जब दोनों में क्या हो बच्चों, प्लस हो। इस तरीके की क्वेश्चन बनेगी जब माइनस प्लस होगा और जब प्लस माइनस होगा। तो मैं चारों ही टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक करके समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो आज आप इनके फैक्टर करना सीख जाओगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी आज आप सोल्व करना सीख जाओगे। बस आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और सुनना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे और उसके चार मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। पहले मैं ये वाला आपको कराऊंगा, फिर इसमें से एक और पूछ लेना, आप जो बैठे हुए आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई सा भी एक पूछ लेना, बाकी आपको होमवर्क में करने, आपको आ जाएगा। ध्यान से देखना, स्टेप टू स्टेप समझना। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 12, ठीक है। देखो इक्वेशन है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या है, देखो थर्ड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में कर दो बच्चों, डिजिट की मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 12। जब 1 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। दोबारा सुनो, सबसे पहला स्टेप थर्ड वाली डिजिट की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली डिजिट में कर दो, तो 1 की 12 में करा 12 आ गया, ठीक है। अब आपको 12 के एलसीएम लेने हैं कि प्लस करने पर ना बच्चों 7 आए, जो ये 12 आया है ना मल्टीप्लाई करने पर, 12 के आपको एलसीएम करने हैं। और यहाँ का साइन देखते हैं, ठीक है, यहाँ का साइन देखना है। प्लस करने पे आपको क्या लाना है, 7, और मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, जब बच्चों मैं इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, ये जानबूझ के मैंने एलसीएम लेनी। डायरेक्ट मेथड इसका क्या था बच्चों, देखो 1 12 12 12 के ऐसे एलसीएम की प्लस करने पाए 7। भाई 4 3 क्या होता है 12, और 4 में 3 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। अगर आप सीख जाओगे फिर आप भी ऐसे कर सकते हो। तो अभी तो एलसीएम यूज़ करना है आपको, देखो 2 2 4, हमने क्या देखा यार 4 आ गया, 4 में अगर ये वाला 3 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 7, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ क्या आएगा 12। तो दोनों ही कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ठीक बैठ रही हैं दोनों कंडीशन। 1 12 या 12 12 के ऐसे एलसीएम प्लस करने पाए 7 और मल्टीप्लाई करने पाए 12। तो देखो जब एलसीएम किया 2 2 4, 4 में 3 ऐड करा तो क्या आ गया 7, और इसी 4 में 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 12, दोनों कंडीशन हो गई। अब ये जो 7 लिखा है ना बच्चों, इसके प्लेस पे आपको ये 4 प्लस 3 लिखना है। अब ये इक्वेशन इस तरीके से सोल्व होती चली जाएगी, 12x² माइनस का 7 की जगह हमने क्या लिखा बच्चों, 4 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है 0, ठीक है। ये आप नोट कर लेना और देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 12x² माइनस, देखो बच्चों अंदर वाला 4 प्लस का है तो पहले साइन की मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस प्लस माइनस तो 4 आ गया, उधर से किसकी मल्टीप्लाई हो रही है x की, तो x हो जाएगा। फिर से माइनस प्लस माइनस 3 की इंटू x में करूँगा क्या आएगा 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, सो इनमें 4 कॉमन है, क्योंकि हम ध्यान से देखना 4 के टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, ये तो होगी डिजिट, और वेरिएबल यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा 4x क्या हो गया, कॉमन। तो अंदर क्या बचा, देखो 12 है, ये 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम पर, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, अंदर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो एक कहाँ आ जाएगा, अंदर, माइनस का साइन, 4x पूरा बाहर आ चुका है तो उसके प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। दोबारा सुनो, 4 के टेबल में 4 भी आता है 12 भी आता है, तो 4 को बच्चों हमने कॉमन लिया, 12 कितने टाइम पे आता है 4 के टेबल में, 3 टाइम पर, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। 2x में से 1x तो हमने बाहर ले चुके हैं कॉमन, एक कहाँ बच गया, अंदर। बच्चों कॉमन ना आता दोनों में से है, लिखते हैं उसको यहाँ पे एक बार। अब यहाँ से तो ये बाहर आ चुका है, 4 भी बाहर आ चुका है, जब ये पूरा बाहर आ गया तो इसके प्लेस पर बचेगा क्या, इसके प्लेस पर बचेगा बच्चों 1। अब इन दोनों में देखो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो माइनस का 1 कॉमन। देखो मैं इसको क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो
माइनस थ्री एक्स प्लस वन है, क्या मैं इसको इस तरीके से वन मल्टीप्लाई थ्री एक्स और प्लस वन मल्टीप्लाई वन ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो थ्री एक्स वन जा थ्री एक्स बात तो वही है, वन वन जा वन बात तो वही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी वन कॉमन है, यहाँ पे भी वन कॉमन है, इसलिए मैंने वन यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन। ये आपको समझाने के लिए था, बस एक चीज़ याद रखो, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे वन कॉमन आ जाता है। कैसे आता है वो बात मैंने आपको इस तरीके से ब्रेक करके बता दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, माइनस वन क्या हो गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों थ्री एक्स, और माइनस प्लस माइनस, और ये वन ऐसे कैसे इक्वल में क्या आ गया जीरो। एक बात का और ध्यान रखना, जो यहाँ पे आएगा बच्चों वही यहाँ आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही है। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, थ्री एक्स माइनस वन कॉमन है, थ्री एक्स माइनस वन यहाँ पर भी है, थ्री एक्स माइनस वन यहाँ पर भी है, तो थ्री एक्स माइनस वन को लिखेंगे वन टाइम, यानी ये क्या आ चुका है कॉमन। अब थ्री एक्स माइनस वन तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा फोर एक्स, क्या बचा बच्चों अंदर फोर एक्स, थ्री एक्स माइनस वन तो कॉमन आ गया, तो उसके प्लेस पर क्या बचेगा वन बचेगा, यानी ये वाला वन, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल में क्या है जीरो। अगर आपसे इक्वेशन सोल्व करने का बोला है, फैक्टर करने को बोला है, तो यहीं तक छोड़ दो आंसर, और ये बोला है कि इनकी वैल्यू भी बताओ, फाइंड वैल्यू करो एक्स की, तो कैसे करेंगे देखो। थ्री एक्स माइनस वन क्या है बच्चों इक्वल जीरो के है, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर बोला है कि भाई वैल्यू निकालो, अगर जीरो दिए तो वैल्यू निकालनी होती है, अगर यहाँ सपोज करो जीरो नहीं दी होती तो प्यारे बच्चों फिर हम क्या करते इसको ऐसे नॉर्मल यहीं पर छोड़ देते हैं ना, बट यहाँ पर क्या है जीरो। तो सोल्व कर रहा हूँ देखो, एक बार लूँगा थ्री एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल, तो ध्यान से देखना ये माइनस का वन है वहाँ जाएगा तो प्लस का, अभी एक्स थ्री ना मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ गया वन अपॉन थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वाले को लेके चलेंगे जीरो के इक्वल, एक बार इसको एक बार इसको, ये माइनस का वन है उधर भेजो किसका हो जाएगा प्लस का, ये फोर मल्टीप्लाई में वहाँ गया तो डिवाइड में, ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो बच्चों पाँच क्वेश्चन में से मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया है, अब इन चारों में से मैं आपको एक और बताऊंगा, तो बताओ भी कौन सा पूछना है आपको इन चारों में से। पहले बताओ ये वाला समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार जो है ना हमको डिटेल जाननी ज़रूरी होती है क्वेश्चन की, जब तक डिटेल नहीं जानेंगे ना तो पता नहीं चलता कि हुआ कैसे है। बताओ भी कौन सा बताना है, जल्दी बताओ दोनों में से, थर्ड वाला बताना है, ठीक है। चलो थर्ड वाला बताते, आप लोग इतने इसको नोट कीजिए, मैं रफ़ कर देता हूँ। बच्चों यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने पूछा है कि इसका थर्ड पार्ट बताओ, तो ध्यान से देखना, आप लोग भी देखो भाई, 2x माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू जीरो है, ठीक है, सोल्व करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इस डिजिट की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 टू जा 6, 6 को यहाँ पर लिख लो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं लूँगा 6 के एलसीएम कि प्लस करने बच्चों कितना आए 5 आए, प्लस करने पर क्या है 5 आए, तो देखो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अगर मैं देखो 2 में मतलब पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं 3 में 2 लिखूंगा तो क्या आएगा 5 ऐड करूंगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, यानी दोनों ही जो मेरी कंडीशन थी, दोनों ही जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आ गए। दोबारा सुनो, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे एलसीएम, प्लस करने पर आए 5, मल्टीप्लाई करने पर आए 6, तो जैसे ही मैंने 6 के एलसीएम लिए मैंने देखा उनके फैक्टर को, प्लस किया तो 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, बस अब ये 3 प्लस 2 इस 5 के प्लेस पर लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2, एक्स प्लस 3 इजिकल टू जीरो। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2x स्क्वायर ऐसी का ऐसी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3 उधर से हुई x की मल्टीप्लाई, तो हो गया 3x, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, दोनों तरफ से, यहाँ से कर रहा है माइनस, वहाँ से कर रहा है x, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा ये, और प्लस का 3 इजिकल टू में क्या है जीरो, ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से, अब क्या लेंगे कॉमन लेंगे, बस इसके आप दो तीन स्टेप याद कर लो, फटाफट कर दोगे। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो भाई डिजिट तो कॉमन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, डिजिट तो यहाँ कॉमन है नहीं। अब देखूंगा वेरिएबल, हाँ भाई यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वेरिएबल कॉमन है, तो एक एक्स क्या आ जाएगा कॉमन। अब देखो यहाँ से एक्स तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक तो 2 बचा, और 2 में से एक एक्स बाहर है तो एक बचेगा अंदर, भैया x तो यहाँ बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा ओनली माइनस का 3। और अभी अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या आता है वन कॉमन, तो बच्चों मैंने यहाँ माइनस वन लिखा, तो अंदर क्या बचेगा 2x, माइनस प्लस माइनस और 3 ऐसी का ऐसी, क्योंकि प्यारे बच्चों जो यहाँ आता है वही यहाँ पर आता है, देखो आ भी रहा है। अब 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, और x माइनस 1 इक्वल में 0। अगर आपकी बुक में इक्वल जीरो नहीं दिया तो यहीं तक छोड़ दो, हो गए फैक्टर,
अगर जीरो दिया है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे आ जाओ, एक बार लेके चलेंगे, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल में जीरो, माइनस का थ्री वहाँ जाएगा तो प्लस का, टू मल्टीप्लाई में यहाँ गया तो प्यारे बच्चों डिवाइड में, ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस वन इक्वल में क्या है जीरो, एक्स ये माइनस का वन ना उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो बच्चों ये दो हमारे क्या आ गए निकल के, आंसर आ गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी।